ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार बड़ा ऑपरेशन, गुड़िया ऑपरेशन हमने इसको नाम दिया है, बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। हैरानी होगी आपको यह सुनकर कि किडनैप करने वालों की नजर सिर्फ 8 से 10 साल की बेटियों पर रहती है। इसी उम्र की बेटियों को ये लोग किडनैप करते हैं और इसके पीछे वजह यह है ताकि लड़की कुछ सालों बाद अपने माँ बाप को भूल जाए और उसी कच्ची उम्र में ये समझकर वो फायदा उठा लेते हैं पढ़कर्ता। लड़कियों में माँ बाप बन जाते हैं वो, यानी साफ तौर पर उस बेटी को अपनी बेटी बताते हैं। बाकायदा आधार कार्ड बनवा लिया जाता है स्टाम्प पेपर के जरिए। यह समझने वाली बात है यहां पर कि स्टाम्प पेपर के जरिए लड़की को गोद लिया जाता है और उसके बाद शुरू होता है गंदा धंधा और लाखों में बेटियों को खरीदने और बेचने का खेल खेला जाता है। स्टाम्प पेपर पर लड़की के जिस्म की कीमत, किसी की कीमत 15 लाख तो कोई 20 लाख में बिकी। स्टाम्प पेपर पर नीलाम हो जाती है एक लड़की। देखते जाइए, सुनते जाइए कि सभ्य समाज में कैसे कैसे चेहरे हैं, कैसी सभ्यता, कैसा संस्कार है, कैसे विचार और कैसी आस्था है। जिस्म के दलालों ने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि एक भी लड़की उनके चंगुल से निकल ना पाए। इसके लिए बाकायदा दलाल ही लड़की के माँ बाप बन जाते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को किया जाता है किडनैप। 1 महीने से 10 साल तक की बच्चियां होती है निशाने पर। कुछ सालों के बाद लड़कियों को घर का पता नहीं होता। अपहरणकर्ता ही बन जाते हैं लड़कियों के माँ बाप। लड़कियों के फर्जी आधार कार्ड भी बनवाए जाते हैं। 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर की जाती है डील। स्टैम्प पेपर पर होता है लड़की को गोद लेने का जिक्र। स्टैम्प पेपर पर होता है लड़कियों के नाचने गाने का कॉन्ट्रैक्ट। स्टैम्प पेपर पर गोद लेने के बहाने लड़कियों का सौदा। सौदा होते ही लड़कियों को गलत धंधे में फेंक दिया जाता है। देश के अंदर बेटियां बिक रही हैं, वो भी कागजों पर लिखा पढ़ी के साथ में। ओरिजिनल स्टाम्प पेपर जी मीडिया के पास मौजूद है क्योंकि जी मीडिया इतना बड़ा खुलासा कर रहा है पूरी पड़ताल के साथ में, पूरी तफ्तीश के साथ में। हमने वो दस्तावेज भी ओरिजिनल जुटाए जिन पर बेटियों के सौदे हुए, जिन पर लिखा पढ़ी के साथ में बेटियों को 5 लाख 10 लाख 20 लाख 22 लाख में बेच दिया गया। ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक ओरिजिनल स्टाम्प पेपर है। ये जेरॉक्स कॉपी नहीं है, ये ओरिजिनल स्टाम्प पेपर है जिस पर पूरी तरह से स्पष्ट है, क्योंकि जो इन बेटियों का सौदा करते हैं वो माता पिता नहीं होते, लेकिन इन स्टाम्प पेपर पर माता पिता बन जाते हैं। वो दरअसल होते हैं वो अपहरणकर्ता जो कि बेटियों को अपहरण कर करके लाए हुए होते हैं। जी मीडिया के पास वो स्टाम्प पेपर भी मौजूद है जिनके जरिए बेटियों का सौदा हुआ। एक दो नहीं बल्कि हमारे पास 3-3 ओरिजिनल स्टाम्प पेपर हैं जिनके जरिए लड़कियों को बेचा गया। किसी की कीमत 10 लाख होती है तो किसी की 20 लाख, यहां तक कि कई लड़कियां तो 30 लाख रुपए में बेची गईं। स्टाम्प पेपर पर साफ लिखा है कि वो लड़की का सौदा कर रहे हैं। स्टैम्प पेपर पर लिखा है कि दलाल 10 लाख में 20 लाख रुपए में लड़की का सौदा नाचने गाने के नाम पर करता है। भी करते हैं स्टैम्प पेपर पे, एक लड़की का 22 लाख लगाते हैं, वो बेचते भी हैं और कुछ लड़कियां वो अपने पास भी रखते हैं। जैसे बहुत सी लड़कियां तो बिक चुकी है, उनको मैं शायद जानती भी नहीं, और कुछ को जानती भी हूँ तो भी वो बिक चुकी हो, मैं गिनती नहीं कर सकती इतनी बेच चुके हैं। मतलब कि इनका खानदानी काम है पेटियों को लाना, या तो उनका सौदा करके बेच देते हैं या फिर उनसे गलत काम करवा। ये इनका क्या है कि मतलब उनको समाज में भी खरीदते बेचते हैं, लेकिन जो बाहर से लाते हैं उनको भी
जो बाहर की होती है, उनको जरूरत नहीं है कि हमें पैसा चाहिए। सबसे खतरनाक तो ये कि स्टैम्प पेपर पर हुई इस सौदेबाजी को कानूनन सही ठहराया जाता है और लड़कियों के पास इस दलदल से निकलने का रास्ता नहीं बचता। ऐसे में कई सवाल उठते हैं, मसलन लड़की की नीलामी का स्टैम्प पेपर आखिर किसने बनाया? क्या नाचने के नाम पर किसी लड़की को गोद दिया जा सकता है? क्या गोद देने के नाम पर 20 लाख की सौदेबाजी हो सकती है? स्टैम्प पेपर बनाने वाले नोटरी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कैसे किसी लड़की का फर्जी आधार कार्ड बना दिया गया? हिमांशु मित्तल, जी मीडिया। तो इस कहानी में भी बड़े खुलासे हैं। आपने पहले देखा किस तरीके से अपहरण होता है, किस तरीके से इंजेक्शन लगाकर उस बच्ची को बड़ा किया जाता है, और तीसरा अध्याय आपने देखा स्टाम्प पेपर के जरिए एक बेटी की नीलामी कर दी जाती है। और ये स्टाम्प पेपर पर कैसे ये खेल खेला जाता है, इसका एक एक पार्ट हम आपके सामने रखेंगे और वो स्टाम्प पेपर भी आपको दिखाएंगे। एक एक चीज हम सत्यता के आधार पर हम आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से पूरा खेल खेला जा रहा है। यानी कि देखिए, इस पूरे अपराध को कानूनी रूप दिया जा रहा है। स्टाम्प पेपर पर बाकायदा एक बेटी को बेच दिया जाता है। अब तक आपने देखा होगा प्लॉट बिकते हैं, मकान बिकते हैं, लेकिन साहब बेटियां भी बिकती हैं स्टाम्प पेपर पर लाखों रुपए में। पहले आप सुनिए, गुड़िया लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम एक एक परत खोलेंगे। इसके स्टाम्प पेपर भी हमारे सामने है, हमारे पास है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। गुड़िया, स्टाम्प पेपर का यहां जिक्र हुआ, आपने कहा कि जो मेरे पिता थे, जो मेरे भाई थे, उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। यानी कि जो स्टाम्प पेपर पर आपके पिता थे, कैसे ये सब खेल किया उन्होंने, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कैसे उन्होंने पेपर पर आपको बेटी बताया, कैसे आपका आधार कार्ड बनवाया, कैसे आपको 20 लाख 10 लाख रुपए में यहां पर बेटियों को बेचा जाता है, वो जरा शुरुआत से हम समझना चाहेंगे। गुड़िया, आप सुन पा रही हैं मुझे? आवाज नहीं आ रही। गुड़िया, लगता है मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास और हम उन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे कि देखिए किस तरीके से स्टाम्प पेपर के जरिए एक बेटी को बेच दिया जाता है। और एक ही नहीं, उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा भी, आपने सुना होगा कि तमाम लड़कियां ऐसी हैं जिनको मैं जानती हूं, लेकिन आज वो वहां आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि उनको बेच दिया गया है मोटी रकम लेकर और बाकायदा स्टाम्प पेपर पर उनको बेचा गया है। ये खेल कोई एक दो या तीन व्यक्तियों का नहीं है, ये पूरा सिंडिकेट है और उस पूरे सिंडिकेट का खुलासा आज हम करने जा रहे हैं आपके सामने। तमाम वो चेहरे आपके सामने होंगे जो इस पूरे दलदल में, जो इस पूरे खेल में संलिप्त है, पूरे नेटवर्क का खुलासा होगा आपके सामने। आप लगातार हमारे साथ रहिए। डॉक्टर धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वैश्य चिकित्सक है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, एक बड़ा सवाल, ये तस्वीरें आपने देखी, आप इस पूरे रिपोर्ट को समझने की कोशिश भी करेंगे। सर देखिए, एक बच्ची का ये कहना है कि पहले उसको अपहरण होता है फिर इंजेक्शन के जरिए, क्या ऐसा संभव है सर? किस तरीके से किसी भी बच्ची को बड़ा करने के लिए, उसके हार्मोन्स को बड़ा करने के लिए, चीजों को डेवलप करने के लिए उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं, कैसे संभव होता है सर ये? आवाज थोड़ी ब्रेक, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हेलो, बोलिए सर। मैडम, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। यस यस सर, आवाज मिल रही है आपको? मैं मित्तल हूँ और ये एक्चुअली संभव है बेसिकली। हाँ, आपकी आवाज अभी मुझे मिल रही है। जी देखिए, ऐसा है, ये संभव है कि बच्चियों को अगर इंजेक्शन दिए जाएं तो उनकी ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये इंजेक्शन दो तरह के होते हैं, एक तो हार्मोन्स होते हैं। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, कंटिन्यू करिए आप, हम सुन पा रहे हैं आपको। ये इंजेक्शन दो तरह के होते हैं, एक तो ग्रोथ हार्मोन होता है जिसकी वजह जिससे बच्चियों की हाइट और ग्रोथ बढ़ाई जा सकती है, और एक जो कि गायनेकोलॉजिकल हार्मोन्स होते हैं जिनको हम एस्ट्रोजन्स बोलते हैं, जो कि बॉडी में नेचुरली ये रिलीज होते हैं बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में रिलीज होते हैं एज टू एज।
लेकिन अगर उसको हम बाहर से इंजेक्शन के रूप में दें एस्ट्रोजन हार्मोन को, तो उस एस्ट्रोजन हार्मोन से बेबीज की जो है लंबाई भी बढ़ाई जा सकती है, उनकी ग्रोथ बढ़ाई जा सकती है और उनका जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। बट ये जो हार्मोन्स हैं ये बहुत ही नुकसानदायक हैं, आगे चल के इनके बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम एस्ट्रोजन की बात करें तो उस हार्मोन्स के इतने साइड इफेक्ट्स हैं कि चलो उसका ग्रोथ जो है सेक्सुअल डेवलपमेंट तो हो जाएगा, उसके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, उसके फीमेल पार्ट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन उस हार्मोन्स की वजह से उसकी लंबाई बहुत कम रह जाएगी क्योंकि वो प्रीमेच्योरली जो हमारी बोन्स है उनको ज्वाइंट कर देता है और उससे लंबाई जो है उसकी कम हो जाती है, नंबर वन। नंबर टू, अगर एस्ट्रोजन अगर हम हार्मोन देते हैं तो फिजिकल ग्रोथ उसकी सेक्सुअली फिजिकल ग्रोथ तो हो जाती है लेकिन मेंटल ग्रोथ उसका उतना ही रहेगा क्योंकि मेंटल ग्रोथ पे जो है उस हार्मोन का कोई भी इफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट अगर उसकी हाइट कम होगी, मेंटल ग्रोथ कम होगा तो वो प्रिपेयर नहीं होगी बेसिकली सेक्सुअल रिलेशंस के लिए, तो उसके उस कंडीशन में उसके मेंटल डिप्रेशन में भी जाने के चांसेस रहते हैं। प्लस जो हार्मोन्स हैं उसके साइड इफेक्ट के रूप में हाइपरटेंशन है, बीपी का बढ़ना है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना है, प्लस जो है अपनी जो बोन्स होती हैं उनका कमजोर होना है, आगे चल के वो उसमें फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि बोन्स बहुत कमजोर हो जाती हैं, प्लस जो है पर्टिकुलरली एक जो साइकोलॉजिकल जो साइड इफेक्ट्स हैं लाइक डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आगे चल के जो चाइल्ड वेयरिंग जो कैपेसिटी है उसमें भी जो है डिफेक्ट होता है प्रॉपर तरीके से रेगुलर साइकिल्स की वजह से, रेगुलर ओवुलेशंस की वजह से बच्चा पैदा करने में भी उसको दिक्कत होती है। इसके अलावा और कई तरह के साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे बॉडी में स्वेलिंग आना है, हाथ पैर में स्वेलिंग आना है, स्किन का ड्राई हो जाना है, इसके अलावा वजाइना का ड्राई होना है, ये सारी चीज़ें जो है ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसी तरह से इसी तरह से जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं कि हाँ ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं उनके साइड इफेक्ट होते, अगर ग्रोथ हार्मोन दिया जाए बेसिकली बच्चे की ग्रोथ को प्रीमेच्योरली बढ़ाने के लिए, तो उसके साइड इफेक्ट्स में जो मेजर साइड इफेक्ट है वो ये है कि एक बार को तो उसकी ग्रोथ बढ़ेगी लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ है वो उसकी बहुत कम हो जाएगी, उसकी जो हाइट है वो जो नॉर्मल जो फीमेल्स होती हैं उनकी हाइट से बहुत कम हो जाएगी, प्लस उसमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है और जो हमारी जो बहुत सारी जो ग्रंथियां होती हैं बॉडी में साइड इफेक्ट हो जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वहाँ। धीरेंद्र जी एक सवाल ये जी कि इतनी आसानी से इंजेक्शन अवेलेबल हो जाते हैं, इतनी आसानी से, कोई प्रमाणिकता नहीं है इनकी? हाँ मैडम एक्चुअली नहीं, ये मैडम देखो ये जो इंजेक्शन हैं बेसिकली ये जो फीमेल्स होती हैं उनको जो डिजीजेज होती हैं उनके लिए इंजेक्शन हैं और ये एवरी मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है। बट हमारे यहाँ पर क्या है कि जो इंजेक्शन्स हैं वो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ये इंजेक्शन्स बेसिकली डिजीजेज के लिए हैं जो कि इजीली अवेलेबल है। अगर डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे अगर आप देखेंगे तो एस्ट्रोजन है, ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन है, प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन्स हैं, वो इजीली अवेलेबल है। अब ये बेसिकली मेडिकल स्टोर वाले हैं या कोई भी है अगर वो बिना प्रेस्क्रिप्शन के इंजेक्शन्स देते हैं तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। यानी कि अगर हम मार्केट में जाकर ऐसे लोग ऐसे इंजेक्शन खरीदते हैं तो उसके लिए इनको कोई प्रूफ या कुछ भी चीजें दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो जा सकते हैं आराम से खरीद सकते हैं और कितनी भी मात्रा में खरीद सकते ideally, हैं। आइडियली होना चाहिए जी 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 बिल्कुल बिल्कुल खरीद सकते हैं। अगर आप मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो ये ऐसे जो इंजेक्शन हैं वो आप खरीद सकते हैं। वैसे जो ये इंजेक्शन हैं ये बहुत नॉर्मल इंजेक्शन्स हैं, एस्ट्रोजन इंजेक्शन्स और प्रोजेस्टेरोन जो इंजेक्शन्स हैं, जो ग्राउथ हार्मोन के जो इंजेक्शन्स हैं, ये बहुत ही सिंपल इंजेक्शन्स हैं जो कि फीमेल्स की बहुत सारी बीमारियों में काम आते हैं। अब उस इंजेक्शन का अगर मिसयूज किया जाए समय से पहले उसके मिसयूज हो ही सकते हैं। फिजिकली मैच्योर करने के लिए अगर आप किसी बच्ची को लगातार इंजेक्शन देते हैं और इसके आपने साइड इफेक्ट भी बताए हैं, यानी कि एक 12 साल की बच्ची को आप 16 साल का दिखाकर बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स हैं, ये एक बड़ा अपराध है। तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, ये बहुत बड़ा क्राइम है कि आप बच्ची की लाइफ के साथ खेल रहे हैं, उसके फिजिकल डेवलपमेंट के साथ खेल रहे हैं, उसके मेंटल डेवलपमेंट के साथ खेल रहे हैं। और अगर मान लो 12 साल की बच्ची को इंजेक्शन देके अगर उसको फिजिकली ग्रोथ को बढ़ा दिया, चलो बढ़ा दिया फिजिकल ग्रोथ को, लेकिन उसका मेंटल जो डेवलपमेंट है वो तो 12 साल का ही रहेगा, तो उसको कितना मेंटल ट्रामा होगा अगर उसको फिजिकल रिलेशन के लिए यूज किया जाए तो। बिल्कुल सर हमारे साथ रहिए। देखिए ये हमने यहाँ पर ये जानने की कोशिश की कि इस तरीके से आपने गुड़िया के मुंह से सुना कि कैसे उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं। तमाम और खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाड कुमारी जैन जी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं राज्य महिला आयोग के, हमारे साथ इस वक्त शामिल हैं। लाड कुमारी जी आपने सुना इस पूरी कहानी को किस तरीके से
इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बच्ची को बड़ा कर दिया जाता है समय से पहले, स्टाम्प पेपर पर उसको बेच दिया जाता है। कैसे देखती हैं आप इसे, कहां महिला सुरक्षित है समाज? अभी जो डॉक्टर साहब ने बात कही है, हाँ नहीं है, और मुझे लगता है हम सदियों पीछे चले जाएंगे, धकेल देंगे बेटियों को और लड़कियों को, औरतों को, जिस तरह के अभी जो हालात हो रहे हैं हमारे देश के अंदर। और डॉक्टर साहब ने जो बात कही है बहुत ज़रूरी है कि महिला के जो प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उसमें सबसे बुरा असर पड़ता है लड़कियों के, जिसके बारे में सब माँ बाप भी बेखबर हैं और लोग भी बेखबर हैं। तो ये अवेयरनेस कार्यक्रम हेल्थ को लेकर के होना चाहिए। लेकिन जो जिस मुद्दे को लेकर के आपने आज ये बहस शुरू की है, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि सालों से हम देख रहे हैं राजस्थान में, आज नई बात नहीं है, 35-40 साल से तो मैं सुनती रही हूँ, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, बल्कि उससे भी पहले, कि राजस्थान में किस तरह से औरतों की खरीद फरोख्त के बड़े बड़े बाजार बने हुए हैं, दलाल काम कर रहे हैं, और वो सबके आंख, मतलब सबके आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है डेवलप, लेकिन वो बढ़ता जा रहा है। कहा कि आप भी लंबे समय से सुनती आ रही है, यानी कि ये पहली दफा नहीं है, सबकी नजरों में है जी, लेकिन नजरें उठाने के बजाय झुका ली जा रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? मैं आपको बता रही हूँ, मैं जब महिला आयोग में थी और बहुत सारी, मतलब हजारों लड़कियां जिस तरह से किडनैप हुई, 100 लड़कियों की मिसिंग पर्सन, गुमशुदगी की जो FIR दर्ज होती है, और मैंने पुलिस वालों से मैं जूझती थी, एक भी लड़की बरामद नहीं होती। इवन राजस्थान उच्च न्यायालय में भी लगा था ये मैटर, और अखबारों में भी तब आया था कि लड़कियां इतनी जो गायब हो रही है, नाबालिग लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां, वो आखिर जा कहां रही है, क्या जमीन निकल रही है या आसमान में उड़ रही, जा कहां रही है? उन बातों को लेके मैं ये समझना चाहूंगी कि ये मैं 2013-14 की बात बता रही हूँ, ठीक है, 2013 मैं अपने राजस्थान की भी बात बता रही हूँ, 2013-14 की बात बता रही हूँ। मैंने खुद ने 90 ऐसी जगहों के दौरे किए बहुत साइलेंटली, क्योंकि शुरू में पता लग जाता था तो वो गायब हो जाते थे, और इसलिए बाद में मैंने एक तरीका अपनाया कि जिस एरिया में मुझे जाना उस थाने के बाहर जाकर के गाड़ी रुकती थी, मना कर देती, कोई हॉर्न नहीं देगा, कोई लाल बत्ती नहीं जलेगी, कोई मेरे साथ नहीं चलेगा, केवल उस थाने वाले के SHO को कहती कि सादा ड्रेस में तुम्हारे एक आदमी को मेरे साथ बैठा दो और तुम कहीं भी फोन नहीं करोगे। सब थानों को मालूम है कि उनके आसपास के कौन से एरिया जहां पर वो लड़कियां आ रही जा रही है। कई माओं से, कई पेरेंट्स से मैंने बात की, कितने कितने रुपए में ले जा करके, मैंने कहा क्या करते हैं वो लोग, और आजकल क्या कर रखा, पहले तो एजुकेशन नहीं थी, लेकिन अब उन लड़कियों को जहां जहां सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको पढ़ाया जाता है, क्योंकि लड़कियां केवल इंडिया में ही नहीं है। आपकी बातें तो और भी हैरान करती हैं, वो इसलिए कि आपने कहा कि आपने खुद देखा है, मैं उन जगहों पे गई हूं, वहां पर जाकर उन चीजों को जानने की मैंने खुद नहीं देखा है, मैं उन जगहों पे गई हूं। लेकिन बावजूद इसके मैंने इन आयोगों का क्या मतलब होता है जो बेटियों को सुरक्षा न दे सके, बेटियों को सुरक्षित न रख सके, इन आयोगों को क्या फायदा हो जाता है? आयोग की मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट उसकी उन सारे एरिया की जो निकली थी, मैंने गवर्नमेंट को 9 नवंबर 2014 में सबमिट की, लेकिन पता ही नहीं हिला, 5-6 साल हो गए उस रिपोर्ट के ऊपर। हालांकि मीडिया ने उस समय कहा, मैंने कहा नहीं, जब तक गवर्नमेंट, क्योंकि वो ऐसा मामला था कि मैं उसको तुरंत अखबारों में नहीं लाना चाह रही थी। हम चाहते थे, मेरा जो मकसद था उसके पीछे ये था कि ऐसी औरतों महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो दर पीढ़ी छपा था, बहुत छपा था अखबारों में उस समय, पीढ़ी दर पीढ़ी ये लड़कियों को इसी धंधे में डाल रहे हैं। क्या वो बेबस माँ बाप से जब बात करते हैं खाने का, हमारे लाल कुमारी जी, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि आपकी बातें हमें और हैरान कर रही हैं लगातार। आपने कहा कि 2014 और 13 का जिक्र किया, आपने कहा कि उस वक्त मैंने वो सब देखा है कि वहां पर ऐसा होता है, लेकिन वो तब भी नहीं रुका और वो आज तक चल रहा है, यानी तब से लेकर 2014 से 13 से 2019 में हम आ गए, इन 6 सालों में और कितनी बेटियों की बलि चढ़ी होगी, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सिस्टम को पता नहीं है, यहां से ये खुलासा होता है। देखिए, एक और खुलासा आपके सामने आया कि ऐसा नहीं है कि पता नहीं, पता सबको है, लेकिन कार्रवाई कौन करे? हिमांशु इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल-पल की जो चीजें उन्होंने हम तक पहुंचाई है, एक बड़ा जो उन्होंने ऑपरेशन किया है, अपनी जान पर खेलकर उन्होंने उन सारे चेहरों को बेनकाब किया है जो इसमें शामिल हैं। हिमांशु, हम आपसे समझना चाहेंगे, स्टाम्प पेपर तक की कहानी यहां तक पहुंची कि स्टाम्प पेपर पर एक बच्ची को बेच दिया जाता है, हालांकि वो स्टाम्प पेपर हम लेकर बैठे हैं इस वक्त, वो हमारे साथ हमारे पास मौजूद है, और एक नहीं 3-3 स्टाम्प पेपर हम लेकर बैठे हैं, कैसे ये समझा जाए हिमांशु, क्या इसकी प्रमाणिकता पर सवाल नहीं उठता?
आखिर कैसे इतना इजी एक स्टाम्प पेपर बेटियों को बेचा जा सकता है? कैसे ये खेल चल रहा है? कौन कौन इसमें शामिल है? क्या आपने इसमें देखा? देखिए लक्ष्मी, सबसे बड़ी बात और अपने आप में ये विडंबना है कि अब तक हमने देखा है कि स्टाम्प पेपर का जो यूज है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक रेंट एग्रीमेंट के तौर पर किया जाता है। कहा जाता है कि हम घर खरीदते हैं तो उस समय किया जाता है, वाहन को जब खरीदते बेचते हैं तो उस समय किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो साहब लड़कियों को खरीदने बेचने के लिए स्टाम्प पेपर का उपयोग किया जा रहा है, जो अपने आप में कानूनी लिहाज से अगर देखा जाए तो गलत नहीं, गलत की तमाम जो सीढ़ियां हैं उनको पार करते हुए कहा जा सकता है। क्योंकि स्टाम्प जब बेचा जाता है, जो स्टाम्प वेंडर होता है, तो सबसे पहले वो वजह ली जाती है कि इस स्टाम्प का उपयोग क्या होने वाला है, तो सबसे पहले वो स्टाम्प बेचने वाला स्टाम्प विक्रेता है, वो अपने आप में दोषी होता है। लेकिन अब आप देखेंगे कि स्टाम्प पर यहाँ पर तो बेटियाँ बेची जा रही, मेरे पास स्टाम्प पेपर भी मौजूद हैं जो मेरे हाथ में और अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी हैं, जिनको हमने अब तक दिखाया भी सरी। ये 100 रुपये का स्टाम्प पेपर होता है, ये 500 रुपये का स्टाम्प पेपर होता है, जिन पर बेटियों को बेच दिया जाता है। लक्ष्मी, अपने आप में स्टाम्प पेपर के साथ में ये लोग एक पंचायत को भी बैठाते हैं। बाकायदा जो अपहरण करता है वो पूरी पंचायत लेकर के बैठता है और उस पंचायत के सिग्नेचर के साथ में, उन पंचायत के लोगों के साथ में बैठ करके बेटियों का सौदा कर देते हैं, तय कर देते हैं कि इस बेटी की कीमत क्या है और इस बेटी को किस तरह से बेचा जाना है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो बेटी होती है उसके हिसाब से और जिस तरह का खरीददार होता है उसके हिसाब से उसकी कीमत मुकर्रर कर दी जाती है। ये कीमत लाखों में होती है, वो 10 लाख भी हो सकती है, वो 15 लाख भी हो सकती है, वो 22 लाख भी हो सकती है, वो 30 लाख भी हो सकती है, जैसा ग्राहक उसके हिसाब से उस बेटी की कीमत लगा दी जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सब कुछ कानूनन, जो स्टाम्प पेपर कहीं ना कहीं कानून में अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका रखता है, उस स्टाम्प पेपर पर हो रहा है। यानी कि अपने आप में ये वो एविडेंस है जो शायद ही अब तक पहले कभी आया हो, शायद ही ये सामने आया हो कि स्टाम्प पेपर का प्रयोग बेटियों की खरीद फरोख्त के लिए हो रहा है और स्टाम्प पेपर पर बाकायदा लिखा हुआ है कि फला बेटी का सौदा 10 लाख रुपये में तय होता है, फला गवाहों के साथ में बैठ करके तय होता है और फला शख्स को ये बेटी बेच दी जाती है। एक दो नहीं बल्कि अनगिनत बेटियां इस तरह से स्टाम्प पेपर पर लिखाई पढ़ाई के साथ में बिक चुकी हैं। यानी कि पूरा की पूरा सिस्टम कोलैप्स है, पूरा की पूरा सिस्टम दोषी है और वो तमाम लोग दोषी हैं जिन्होंने स्टाम्प को बेचा, वो तमाम लोग दोषी हैं जिन्होंने जिनकी मौजूदगी में स्टाम्प पेपर को लिखा गया। यानी कि दोषी सिर्फ वो लोग नहीं हैं जिन्होंने इस बैठ करके ये काला कारनामा किया है, जिन्होंने बेटियों को बेच दिया, यानी कि वो लोग भी दोषी हैं जिन्होंने स्टाम्प को बेचा। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, बहुत सारे चेहरे बेनकाब होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आंखों पर पर्दा क्यों डाला गया, क्यों इस तरह का काला खेल चलने दिया गया और क्यों इस तरह से बेटियों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया गया। लक्ष्मी, एक और अहम बात कि जिन बेटियों को बेचा जाता है, स्टाम्प पेपर पर स्पष्ट तौर पर लिखा होता है कि नाचने गाने के लिए बेटियों का सौदा तय किया जा रहा है। हम समझ सकते हैं कि नाचने गाने के लिए नहीं, वो बेटियां धंधे में उतारने के लिए बेची जा रही हैं, वो बेटियां लाखों में बिक रही हैं, वो सब कुछ और भी आगे सामने आएगा क्योंकि वो दलाल भी बेनकाब होंगे। हमने स्टाम्प पेपर के बाद में उन दलालों की भी पड़ताल की है, उन दलालों के मुँह से भी सच को उगलवाया है, लेकिन अपने आप में ये सब कुछ हिला देने वाला है, ये सब कुछ काली हकीकत को बयां कर देने वाला है। और उससे भी बड़ी विडंबना ये कि स्टाम्प पेपर जो शायद अब तक पहले कभी नहीं आए होंगे कि बेटियां स्टाम्प पेपर पर बिक रही हैं। बिल्कुल हिमांशु, आप हमारे साथ रहिए, हम लगातार पल पल की तस्वीर आपके जरिए समझते रहेंगे और ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर ये जो खेल है इसमें कौन कौन शामिल है। ये वो स्टाम्प पेपर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए बेटियों को बेचा जाता है और बकायदा इस पर रेट लिखा हुआ है, 10 लाख 20 लाख 5 लाख, जैसा कि आपने सुना हिमांशु के जरिए भी कि किस तरीके से बेटियों को देखकर उनकी बोली लगा दी जाती है। लेकिन यह मत सोचिए कि किसी एक शख्स का काम है या किसी दो शख्स का काम है, इसमें बड़े चेहरे शामिल हुए हैं और वो तमाम चेहरे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। उन चेहरों का लगातार हम खुलासा करेंगे। थोड़ी ही देर में वरिष्ठ वकील भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे ये जानेंगे कि क्या इस स्टाम्प पेपर के जरिए